गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे क्लास फोर जीके का चैप्टर नंबर 17, इसका नाम है वाटर साइकिल। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। देखो डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं ना। सबसे पहले तो पानी उड़ता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। ये पानी जमीन से भी उड़ता है और प्लांट से भी उड़ता है। अगर प्लांट से उड़े तो हम कहते हैं उसको ट्रांसपिरेशन, अगर जमीन से उड़े तो हम उसको कहते हैं इवोपरेशन। ऊपर जाने के बाद, ऊपर ठंडा इन्वायरमेंट होता है तो वहां जाने के बाद ये सारा पानी जो वाटर वेपर के रूप में ऊपर उड़ाता है वापस कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद बादल बनते हैं और बरसात होती है, उस बरसात को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और जो बरसात का पानी है, जब वो जमीन के अंदर, जमीन उसको एब्जॉर्ब करती है, आपकी सॉइल उसको एब्जॉर्ब करती है, तो वो कहलाता है परकोलेशन। ये इसके कुछ स्टेप्स होती है वाटर साइकिल की। ये क्लियर आप सभी को? फिर देखो, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, फिलअप पे कुछ कि वाटर का वाटर वेपर में चेंज होना क्या कहलाता है? इवोपरेशन। चेंज ऑफ वाटर वेपर बैक इनटू वाटर, वाटर वेपर का वापस से वाटर में बदल जाना कंडेंसेशन। चेंज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन, अगर जो वाटर है वो चेंज रेन के रूप में हो या स्नो स्लिट इनके फॉर्म में हो तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन। फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द पोरस लेयर ऑफ द सॉइल, किसी भी सॉइल के अंदर फिल्ट्रेशन होना, उसका पोरस सॉइल के अंदर जाना कहलाता है परकोलेशन। इवोपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ, अगर सरफेस ऑफ लीफ, लीव्स के ऊपर से, प्लांट के अंदर से पानी उड़े तो वो कहलाता है ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर इवोपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, जो पानी उड़ा उसी को वापस लाने की प्रोसेस, उसी को वापस मिल जाए तो वो कहलाता है रिसाइकलिंग। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है यहाँ तक? इसी के साथ आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।